दोस्तों मेरा नाम एहसान, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एहसान मॉनिटर। दोस्तों हमारे कुछ भाई जो नए क्रिएटर हैं वो पूरी बात समझ में नहीं आती है उनको। मैं देखता हूं दोस्तों वो गूगल से इमेज को डाउनलोड करते हैं, उसके बाद में थंबनेल में यूज़ करते हैं। तो दोस्तों अगर ऐसा होता तो आपको खुद सोचना चाहिए कि अगर ऐसा होता तो सब लोग कितना इमेज कितना फ़ोटो उनको ढूंढने में जो समय लगता है वो बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि वो गूगल पर डालते और इमेज मिल जाता और थंबनेल में यूज़ कर रहे थे। दोस्तों आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा गूगल का कोई भी इमेज, क्योंकि अगर आप उसको यूज़ कर लेंगे तो दोस्तों गूगल का ही प्रोडक्ट यूट्यूब है, तो दोस्तों उस कंडीशन में क्या होगा कि कॉपीराइट आएगा, स्ट्राइक आएगा। तो इस कंडीशन में आपको दोस्तों गूगल से कोई भी इमेज या वर्ड कोई भी कॉपी नहीं करना है, या डाउनलोड करके अपने वीडियो में या थंबनेल में इमेज कोई भी हो उसको यूज नहीं करना है। दोस्तों मैं आप लोगों को एक वेबसाइट बताऊँगा जहाँ से आप फ्री में, जिससे कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा, कोई भी स्ट्राइक नहीं आएगा, वहाँ से डाउनलोड कर आप अपने वीडियो में यूज़ करिए या थंबनेल में यूज़ करिए। कोई भी अगर आपको इमेज चाहिए तो वहाँ से आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन फिर से मैं आप लोगों को बताऊँगा कि गूगल से कोई भी इमेज आप लोग डाउनलोड मत करो, जो भी हो अपना हो, किसी का भी कॉपी पेस्ट करने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, सिर्फ आपको परेशानी होगी। तो दोस्तों सिर्फ आपको सिर्फ यही बताना था मुझे कि आप गूगल से कोई भी इमेज या फ़ोटो कुछ भी हो या म्यूज़िक हो कोई भी, वो अपने वीडियो में या अपने थंबनेल में कुछ भी यूज ना करो। मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ, वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से आप लोग जाइए, कोई भी इमेज कोई भी फ़ोटो आप लोग डाउनलोड करके अपने थंबनेल में अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो भी यूज़ करिए। जो दोस्तों बहुत से लोग का कमेंट ये भी होता है कि जो ग्रीन स्क्रीन की वीडियो होती है, जैसे सब्सक्राइब वाली हो गई या लाइक वाली हो गई, तो उसको हम अपने वीडियो में कैसे लगाएं और कहां से डाउनलोड करें। तो दोस्तों वो भी इसी वेबसाइट पर मिल जाएगा आपको, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे आपको बैकग्राउंड चाहिए, म्यूजिक चाहिए, सॉरी म्यूजिक तो इस पर नहीं मिलेगा, म्यूजिक के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। उसके बाद में जो फ़ोटो चाहिए या ग्रीन स्क्रीन वाली सब्सक्राइब बटन चाहिए आपको, वो भी इसी वेबसाइट पे मिल जाएगी। मैं आपको अभी लाइव दिखा देता हूँ, उसके बाद में फिर वहाँ से आप लोग यूज़ करिएगा अपने चैनल पर, अपने थंबनेल में, अपने वीडियो में, कुछ कहीं भी आप यूज़ करिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ना कॉपीराइट आएगा ना स्ट्राइक आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों वेबसाइट पर चलते हैं। दोस्तों अपने मोबाइल में कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है और गूगल पर जाना है और यहाँ टाइप करना है pixabay.com। ये दोस्तों ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला इनका वेबसाइट है, इस पर जाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैं आप लोग देख सकते हो, इसको लॉगिन साइन अप भी कर सकते हो आप, लेकिन जितनी इमेज आपको चाहिए, जैसे दोस्तों ये हो गया इमेज, अगर मैं इस इमेज पर कोई भी बैकग्राउंड बनाऊंगा, कोई भी थंबनेल बनाऊंगा इस इमेज पर, तो मुझे कोई भी कॉपीराइट या कुछ भी नहीं आएगा। तो जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, जो भी आपको इमेज चाहिए वो सब इसी पर मिल जाएगा। जितना, जैसे कोई मोबाइल हो गया, जैसे आईफोन 6 पर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो आईफोन 6 ये देने लगा। जितनी वेबसाइट पर आपको यूज करना हो अपने चैनल पर, कोई भी फ़ोटो, कोई भी पिक्चर, कोई भी वीडियो, लैपटॉप, कुछ भी आपको यूज़ कर रहा हो, तो आप लोग इस वेबसाइट से डाउनलोड करके यूज कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी आपको चाहिए वो आप यहां से कर सकते हो। जैसे फ़ोटो पे ऑलरेडी सेलेक्ट है, तो वीडियो पर आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहां से जो वीडियो आपको चाहिए, जैसे पब्लिक वीडियो चाहिए, तो पब्लिक वीडियो टाइप कर दीजिए, उसके बाद में सर्च पर क्लिक कर दीजिए। तो अब दोस्तों आप लोग देख सकते हो ये सब वीडियो आ गई हैं। थोड़ा सा सर्च में टाइम लग जाता है, क्योंकि आपको जो इमेज चाहिए वो इजी तरीके से मिल नहीं पाता है। एनिमेशन चाहिए, स्लो मोशन चाहिए, जो भी आपको चाहिए सब कुछ इस पर मिल जाएगा। और दोस्तों जो ग्रीन स्क्रीन का बटन होता है, सब्सक्राइब वाला या लाइक वाला, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके देख लेते हैं। दोस्तों ये देख सकते हो ग्रीन स्क्रीन वाला सब्सक्राइब बटन भी हो गया, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। तो नीचे डाउनलोड का, आप फ्री डाउनलोड का ऑप्शन होता है, इस पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद में आपसे साइज़ पूछेगा ये, तो चलिए यही साइज ले लेते हैं जो ऑटो सेलेक्ट है। उसके बाद में डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों यहाँ से इसको डाउनलोड हो गया, उसके बाद में इसको सेव कर लीजिए।
एंड्रॉयड में और बेस्ट होता है दोस्तों, ये iOS का फ़ोन है इसलिए थोड़ा इसमें दिक्कत होता है। तो यहाँ से कोई भी देखिए डाउनलोड का पॉपअप दे दिया, डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ देखिए ये डाउनलोड हो गया। अब हम मैं इसको कहीं भी यूज़ करूँगा तो मुझे कोई भी कॉपीराइट कुछ भी नहीं आएगा। तो इस वेबसाइट से आप लोग हमेशा डाउनलोड कीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आ गया होगा, मुझे फ़ोटो या वीडियो कहीं से भी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने वेबसाइट बता दिया है वहीं से आप लोग डाउनलोड करके अपने थंबनेल में अपने वीडियो में यूज कर सकते हैं, कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।